नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आपको सिखाऊंगा फुल शॉट कैपेसिटर के बारे में, लीकेज कैपेसिटर के बारे में, ओपन कैपेसिटर के बारे में, और कौन सा कैपेसिटर आपका सही है गलत है दोस्तों, वो सब मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, मैं ऐसी वीडियो आपके लिए डेली लाता रहूँगा। दोस्तों, कैपेसिटर की पहचान क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। कैपेसिटर की पहचान है दोस्तों, ब्राउन कलर को दिखने को मिलेगा आपको, ज़्यादातर आपको ब्राउन कलर का देखने को मिलेगा। और कैपेसिटर का काम क्या होता है दोस्तों, प्यूरीफाई करने का। प्यूरीफाई मतलब दोस्तों फिल्ट्रेशन का काम करता है। क्या करता है दोस्तों, फिल्ट्रेशन का काम करता है हमारा कैपेसिटर। तो अभी मैं आपको थोड़ा थियोरिकल में भी दिखा देता हूँ दोस्तों, कि किस तरीके से इसका कंटिन्यूटी होता है दोस्तों, वो आपको मैं अच्छी तरीके से अभी समझा देता हूँ। तो मैं आपको कैपेसिटर की ड्राइंग करके समझाता हूँ। तो ये हमारा कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर का टर्मिनल है। तो हम जब मल्टीमीटर से चेक करते हैं हमारा रीडिंग, वो हमारा ये दोनों टर्मिनल हो गया दोस्तों। तो इधर कैपेसिटर के बीच में दोस्तों एक लाइनिंग आती है, जो लाइनिंग क्या काम करती है दोस्तों, ये हमारा टर्मिनल को आपस में जुड़ने से बचाती है दोस्तों। अगर ये लाइनिंग दोस्तों आपकी ख़राब हो जाती है तो हमारा कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है, लीकेज हो जाता है, कुछ भी आपको समस्या आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। दोस्तों, मल्टीमीटर को बीप की रेंज में सेट करके रखना है और एक टर्मिनल को आपको ग्राउंड रखना है और एक को कैपेसिटर के ऊपर। तो यहाँ पे हमारी एक रीडिंग आ रही है और बीप आ रहा है। अब दूसरी साइड देखते हैं दोस्तों हम, तो हमारी रीडिंग आ रही है, मतलब कि एक साइड बीप और एक साइड रीडिंग आती है, तो हमारा कैपेसिटर एकदम सही है दोस्तों। समझ गए ना। अभी हम दूसरे कैपेसिटर चेक करेंगे। तो एक टर्मिनल पर हमारे दोस्तों बीप आ रही है। अब दूसरी तरफ देखते हैं तो यहाँ पे भी दोस्तों हमारी बीप आ रही है, मतलब कि दोनों टर्मिनल पे हमें बीप सुनाई दे रही है, मतलब कि हमारा कैपेसिटर फुल शॉर्ट है। समझ गए दोस्तों, हमारी दोनों साइड दोस्तों बीप बजे तो हमारा कैपेसिटर फुल शॉर्ट है। दोस्तों, सही कैपेसिटर में आपको एक साइड वैल्यू देखने को मिलेगी और एक साइड आपको बीप सुनाई देगी, मतलब कि हमारा कैपेसिटर सही है। और शॉर्टिंग कैपेसिटर में दोस्तों आपको दोनों साइड आपको बीप सुनाई देगी कि आपको कैपेसिटर शॉर्ट है। तो आपको शॉर्टिंग के बारे में और सही कैपेसिटर के बारे में समझ में आ गया होगा दोस्तों। दोस्तों, मैं आपको ओपन कैपेसिटर के बारे में समझाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने वीडियो बनाने से पहले ये सब चेक कर लिया था, कौन सा ओपन है, कौन सा शॉर्टिंग है दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसकी वजह से मैंने पहले चेक कर लिया था दोस्तों। तो अभी हम चेक करते हैं। तो हम एक टर्मिनल पर लगाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी कोई रीडिंग नहीं आ रही है। हम दूसरे टर्मिनल पर लगाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे भी हमारी कोई रीडिंग नहीं आ रही है और वैल्यू भी नहीं आ रही है दोस्तों। इसका मतलब है हमारा इसका जो बीच वाला कनेक्शन होता है, बीच वाली लाइन दोस्तों, वो टूट गई है। टूट गई है इसका मतलब है दोस्तों हमारा कैपेसिटर ओपन है। समझ गए ना दोस्तों, इसकी बीच वाली लाइन है वो टूट जाती है तो हमारा कैपेसिटर ओपन कहलाता है। दोस्तों, मैं अभी आपको लीकेज कैपेसिटर के बारे में समझाऊंगा। तो आपको मल्टीमीटर को बीप की रेंज में सेट करना है और एक प्रूफ को आपको ग्राउंड करना है और एक को आपको कैपेसिटर के ऊपर लगाना है दोस्तों, इस तरीके से। तो एक को हम ग्राउंड करते हैं और एक को कैपेसिटर के ऊपर लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू शो हो रही है। अब दूसरे टर्मिनल पर रखते हैं दोस्तों अभी हम, तो यहाँ पर भी हमारी वैल्यू शो हो रही है, मतलब कि हमारा कैपेसिटर लीकेज है। क्योंकि दोस्तों हमारा कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल पे हमें वैल्यू देखने को मिल रही है, इसका मतलब है दोस्तों हमारा कैपेसिटर लीकेज है। दोस्तों, आपकी पावर एसी के बाजू में कोई भी कैपेसिटर होगा दोस्तों, वो ख़राब हो गया है तो आप उसको निकाल दोगे तो काम तो चल जाएगा दोस्तों, पर आपका फ़ोन की एसी 3-4 महीने में ख़राब हो जाएगी और फ़ोन भी आपका हीट होने लगेगा, क्योंकि वो आपका कैपेसिटर प्यूरीफाई का काम करता है, वोल्टेज को कंट्रोल करना दोस्तों। तो मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ऐसी वीडियो आपके लिए मैं डेली बनाता रहता हूँ।